नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप ही लोगों का ये चैनल है और आपके सपोर्ट से ही ये चैनल हमने बनाया है और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत भी है। तो चलिए, आप लोगों के बच्चों के, अपने और अपने भाई बहनों के लिए मैं आज कुछ एक नई सब्जी बनाने जा रही हूँ। शायद आप लोग ना जानते हों, गाँव वाले जानते होंगे लेकिन सिटी वाले शायद ना जानते हों। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना वीडियो। ये देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं, आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न की। ये देखिए, ये देखिए स्वीट कॉर्न है, ये बहुत बड़ा बड़ा सा दाना है, ये बहुत अच्छा होता है। इसका एक दिन मैं आपको इसके बॉल्स बना के दिखाऊंगी, उसकी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि गांव में मक्के की सब्जी बहुत तरीके से बनती है। इसकी कढ़ी बनती है, इसकी सूखी सब्जी बनती है, इसकी चाट बहुत अच्छी होती है। तो चलिए, आज तो मैं पहले सब्जी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि और तो इसके लिए मेरी सामग्री देखिए। ये देखिए, गरम मसाले में मेरा ये सौंफ है, ये मेरी काली मिर्च है, देखिए दो लौंगे मैंने ले, तीन लौंगे ले लिए, और एक देखिए छोटी इलायची ले ली है। इससे सब्जी में खुशबू बड़ी अच्छी आएगी। और 6-7-8 काली मिर्च है, ये जीरा है, और ये किचन किंग मसाला है। अब इधर देखिए, ये एक तेज पत्ता ले लिया है, अदरक है, हरा मिर्चा है, प्याज है, और ये देखिए एक लहसुन की गांठ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा सा लहसुन है। तो आपको मैं बता दूं, मैं इससे इसमें से दानों में से, और इसमें मैं एक आलू भी डालूंगी, तो इन दानों में से मैं इतने दाने समूचे रखूंगी और इन दानों को कुचल लूंगी। मिक्सी में नहीं पीसूंगी, इन दानों को मैं कुचलूंगी, और इस लहसुन को भी और इस प्याज को भी मिक्सी में नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इमाम दस्ते में कूट लेंगे। तो चलिए कूटते हैं सब्जी अपनी। तब तक इधर चढ़ा देते हैं कुकर, कुकर चढ़ा देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं, कुकर में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। इसके बाद अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं ये दाने वाली। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लहसुन प्याज कुचल लिया है, अदरक कद्दूकस कर लिया है। अब इसी में देखिए, इसको मैंने कुचल के इधर रख दिया। अब इसी इमाम दस्ते में देखिए, मुश्किल से थोड़े से दाने ग्रेवी में, मतलब आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग आधे डालें, जितने आधे उसमें डालें उतने ही आधे आप कुचलें, मिक्सी में नहीं पीसें, मिक्सी में ये दाने नहीं पीसते। अब इधर हम सब्जी में इसमें डाल देते हैं कुकर में तेल, और तेल डाल के इसमें डाल देंगे अपना जीरा सौंफ और बड़ी इलायची लौंग, मतलब यानी गरम मसाले सारे। तेल मेरा गरम हो रहा है क्योंकि ये धीमी है, इसको मैं ऐसे हाथ लगा के इसके अंदर ऐसे ऐसे इस स्वीट कॉर्न में 2 मिनट को चल जाएगा। ये देखिए, इससे थोड़ा हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी, और इसको हम लोग निमोना बोलते हैं, मक्के का निमोना है ये स्वीट कॉर्न का। तो वो जो साधारण मकाई होती है उससे इसका निमोना बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये देखिए मैंने कुचल लिया, बस बहुत कम मेहनत पड़ी, इससे ज्यादा मेहनत तो प्याज कूटने में हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बस ऐसा ही हमको चाहिए, ऐसा ही आप कूट के रेडी कर लें, और इतने थोड़े दाने में खड़े रखूंगी। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, थोड़ा तेल से धुआं निकलने लगे। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं जीरा। ये देखिए एक मेरी उबली आलू भी है, इसमें मैं एक उबली आलू डालूंगी। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, इतने दाने में आप 2 आलू भी डाल सकते हैं, ज़्यादा लोग खाने वाले तो हो। तो देखिए जीरा मेरा हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए तेल हो गया है, तेल काफ़ी खराब हो जाए, हल्का सा धुआं निकलने लगे इसके बाद डालें। और मैंने मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग किया है, काले सरसों का। आप लोग जो भी तेल खा रहे हो वो तेल बना लें, लेकिन निमोना है, सब्जी है, आप सभी जानते हो, थोड़ा सरसों के तेल में ज़्यादा महक आती है, अच्छा लगता है। लेकिन इसको थोड़ा सफ़ेद कर लें। देखिए तेज पत्ता मैंने डाल दिया है, गैस को स्लो कर देंगे नहीं गर्म मसाले जल जाएंगे। और ये देखिए जीरा डाल दिया, इसी समय ये काली मिर्च और लौंग डाल दिया। लौंग हमेशा फूल निकाल के डालें, क्योंकि लौंग तड़क जाती है तो कभी कभी मुँह में दाने पड़ जाते हैं। ये देखिए सौंफ भी मैंने इसी समय डाल दी। सौंफ ठंडी होती है, गर्मियों में सब्जी में डालना बहुत जरूरी होता है, ज़्यादा जलाना नहीं है। देखिए हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन प्याज का कूचा। तो जो मैंने लहसुन प्याज का कूचा बनाया था ये डाल दिया मैंने। अब इसको गैस को थोड़ा तेज करेंगे, इसको भूनते हैं। और इसी समय देखिए मैं मसाले बना रही हूँ, आप देख लीजिए। मसाले वैसे पारंपरिक ही पड़ेंगे, पर जैसे जो हम लोग हमेशा खाते हैं। तो 2 चम्मच हम धनिया लेंगे, ये देखिए
ये हल्दी है और ये ले लिया लाल मिर्च। ये देखिए लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा तीखा पसंद नहीं आता हम लोगों को। गैस को स्लो कर देते हैं, इस पानी में हम डाल देते हैं मसाले डाल देते हैं और अब डाल देते हैं ये प्याज। ये प्याज है अदरक, पहले हमने कुचले वाले भून लिए गुलाबी गुलाबी, उसके बाद इस प्याज को भी मैंने डाल दिया। ये प्याज जो भून रहा अब डालेंगे हम ये कुची हुई अदरक, अरे सॉरी ये कुची हुई मक्के की स्वीट काट लिया हमने, इसको भी हम भूनते रहेंगे, इसका भूनना बहुत ज़रूरी है। पानी हमारा गर्म है, थोड़ा इससे दालें चिपकी हुई तो थोड़ा हम इसको देर तक भूनेंगे। प्याज है और ये मक्के के दाने हैं, सारे कच्चापन निकल जाएगा। अब इस समय हम इसमें डालेंगे थोड़ा कश्मीरी मिर्च, बड़ा अच्छा कलर आता है इस समय अगर डाल दो तो। ये देखिए इसीलिए मैंने लाल मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, कहने को तो ये तीखी नहीं होती लेकिन मेरा पर्सनली अनुभव है कि थोड़ा बहुत तीखी होती है। अब थोड़ी सी डाल देते हैं हींग। ये हींग आज मैंने टुकड़े वाले ली है दुकान वाले से, एक बेचने आया था नेपाली, लेकिन बहुत अच्छी हींग है तो मैं बहुत एक छोटा सा पीस डालूंगी। लेकिन गैस को तेज कर देते हैं और इसको खूब देर तक इस दाने को हम भूनेंगे निमोने को। देखिए दोस्तों मसाला पक गया है तो इसमें हम देखिए ये करी पत्ता डाल देते हैं। ये कल का पत्ती है, तोड़ से लाए थे पेड़ से तो, लेकिन फिर भी सूख गई है। ये देखिए हमारा ये देखिए मसाला भून के ऐसे मसाला क्या वही सिर्फ मक्के का दाना। ये देखिए अब इस मसाले को मैं इसमें डाल, अब इस मसाले को हम थोड़ी देर पकाते हैं। मसाला भूनना ही सब्जी का मेन प्रोग्राम होता है। जितना ज़्यादा आप मसाले में, जैसे आप सब्जी में 20 तरह के आइटम डालते हैं यूट्यूब की वजह से है क्या है, तो चाहे जितने आइटम डाल दें लेकिन अगर आपने मसाला भूना नहीं तो आपके मसाले में वो स्वाद नहीं आएगा। ये देखिए और देखिए टमाटर डाल देते हैं, टमाटर डाल के भून लेते हैं। टमाटर के डालते ही इसमें नमक पड़ेगा, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा कम ही डालते हैं। देखिए इसको भून लेते, अब एक चीज और आपको दिखाते हैं, इसकी ग्रेवी गाढ़े होने के लिए या तो आप बेसन भून के डाल दें या चार काजू पीस के डालें या मूंगफली पीस के डालें, तो मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, इससे मेरी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसी मसाला में इसको हम भून लेंगे और ये तब तक गाढ़ी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों मेरा मसाला पक गया है, ये देखिए कितना डिसेंट कलर आया हुआ है। ये देखिए तो अब हम इसमें डालते हैं ये मेरी आलू, तो इसको हम कैसे डालेंगे ये आपको दिखाते हैं। ये मैंने इसके दो पीस काटूंगी, अब इस पीस को मैं ऐसे दबा के डालूंगी, ये देखिए बिल्कुल फूट जाए जिससे। ये देखिए और इसको भी ऐसे ही हाथ पे रखा और ताकत लगा के दाब दिया ये, और इसी समय डाल दिया मैंने ये मेरा सब्जी मसाला और अब पड़ गया कार्न, जो मैंने कार्न बचा के रखे थे ये भी डाल दिए। अब देखिए सब्जी बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट चटपटी तैयार हुई। अब गैस को थोड़ा तेज कर दें, अब इसको मिक्स करके ये चाहे आप तो सूखी सब्जी रखें और चाहे तो ग्रेवी वाली रखें। ये मक्के के दाने मीठे मीठे से बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। ये हींग है, गरम मसाला है,
हर चीज का स्वाद इसमें बहुत ही टेस्टी आ गया है। देखिए भैया आलू फूट के, ये देखिए, ये अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये गर्म पानी है मेरा, बस आधा कप के लगभग पानी डाल दिया है क्योंकि सब्जी मेरी पकी हुई है। वो जो थोड़ा कार्न है उसको थोड़ा सा जरा देर पानी डाल के उबाल दे जिससे उसमें भी मसाले आ जाए। एक कप के लगभग पानी हो गया, पहले मैंने आधा कप डाला था, अब एक कप डाल दिया है। ये देखिए अब इस सब्जी को प्रेशर लगा देंगे, एक प्रेशर में मक्का। देखिए मैंने अपना प्रेशर कुकर खोला है, अब देख लेते हैं। सब्जी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, ये देखिए आप लोग को लालच लग रहा होगा, ये देखिए स्वीट कॉर्न की सब्जी बेहद टेस्टी बेहद स्वादिष्ट। इसके साथ मक्के की पूड़ी बाजरे की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अभी मक्के की पूड़ी भी बनाऊंगी उसी के साथ खाऊंगी। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, ये देखिए गरम मसाला और हरी धनिया, हमेशा आप गैस बंद करके ही डालें। ये देखिए थोड़ा गरम मसाला मिल जाए, मैं हरी, ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ छोटी मार्केट से दरवाजे पर हम धनिया लेते हैं तो 10 रुपए की मुश्किल से 2 डाल देते हैं, पर कल मॉर्निंग में थी नहीं तो 10 रुपए के 2 डाल मुझे लेनी पड़ी। फिर रात में हम थोक मार्केट गए, ये देखिए तो ये देखिए ये 5 रुपए की धनिया है, आप देखिए ताजुब मानेंगे आप। ये देखिए जबकि मैंने वैसे भी धनिया सुखा रखी है लेकिन ये कितनी ग्रीन और कितनी अच्छी धनिया मिल गई है। इसको मैं गीले कपड़े में लपेट के फ्रिज में रख देती हूँ, या तो आप एयर कंटेनर में रख दें, एयर टाइट वाले में उसमें रख दें, या देखिए मैं ऐसे एक कपड़ा गीला करके इसमें लपेट ली हूँ और ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। तो अब चलिए हम धनिया डाल देते हैं इसमें, ये देखिए दोस्तों ये। गैस को हम बंद करते हैं और सब्जी को सर्व करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई है, आप एक बार बनाइए तो आप सोचेंगे। देखिए इसके चना और मटर सबसे अच्छा मक्के का स्वीट कॉर्न का नमूना बनता है। अब इसकी मैं चाट बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, तेज पत्ता सब्जी बनने के बाद आप चाहें तो निकाल लें। ये देखिए मेरी सब्जी बनके रेडी है, आपको मेरी सब्जी कैसी लग रही बताइएगा प्लीज। ये देखिए आपको सब्जी कैसी लगी, मक्के का निमोना स्वीट कॉर्न का। Please like, share, subscribe and watch my video. Thank you.